फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिना गैस जलाए 2 मिनट में आलू चाट की रेसिपी। कितनी बार होता है शाम के टाइम भूख लगती है और हमें समझ नहीं आता क्या बनाएं और हम ज़्यादा काम भी करना नहीं चाहते हैं, तो ये रेसिपी उस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इंस्टेंट चाट की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर यू क्रिएशंस। आलू चाट बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू, जिसका छिलका मैंने निकाल दिया है, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी नमकीन। नमकीन आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 हरी मिर्ची, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 चम्मच धनिया पुदीने की चटनी ली है, थोड़ी सी बारीक वाली नमकीन ली है और 1/2 नींबू। अब हम एक बड़े से बाउल में आलू को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे पतले पतले स्लाइस में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया की चटनी ऐड करेंगे। चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। अपनी पसंद की नमकीन ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने धनिया की चटनी ऐड की है, उसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पे दी हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी। आप वहाँ जा करके उस रेसिपी को भी चेक कर सकते हैं। हमारी इंस्टेंट आलू चाट बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी फटाफट से तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब जब भी आपको कभी शाम के टाइम भूख लगे और कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ऊपर से इसको बारीक वाली सेब से गार्निश कर देंगे। हमारी इंस्टेंट आलू चाट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, यह भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये इंस्टेंट चाट कैसी लगी है। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।